गाइस आज जा रहे हैं स्कूटी की सर्विस कराने। हालत बहुत खस्ता हो चुकी है स्कूटी की, तो आज सर्विस करानी है भाई। जल्दी से अपन चलते हैं सर्विस कराने। मिलता हूँ मैं आपको सीधे सर्विस सेंटर पे। नहीं नहीं सर्विस सेंटर पे नहीं, बीच में भी शॉर्ट्स दिख जाएंगे मिलने। आप लोगों को आपकी क्रश का वास्ता, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद जो करना है करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हेलमेट पे धुंध आ रही है, दिख रही है। बोल ले शीशा ऊपर कर। ये इन लोगों का कुछ इंडिपेंडेंस डे वगैरह है यार। चल फिर ये ब्रेकर के बीच में गड्ढा हो रहा है क्या? आप बात बहुत बेटर है यूपी ना, लेकिन देखती है। हाँ घूमना भी चल, अबे हाँ चल ले ले गाड़ी, देख निकल गया। गाइस यार आज पता नहीं क्या हो गया, किसी एटीएम में पैसे ही नहीं मिल रहा है भाई। दो एटीएम में जा चुके हैं, तीसरे की बारी है भाई। यहाँ पे पैसों की इतनी कमी हो रही है ना एसबीआई में, किसी एटीएम में पैसे ही नहीं है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है यार। हाँ तो गाइस तीसरी बैंक में आखिरकार पैसे मिल गए, मतलब दो बैंक में ढूंढे तो वो कह रहे कंगाल है हम लोग, उसके बाद तीसरी बैंक में आए तब मिले भाई पैसे। दिमाग खराब कर दो, लेट्स गो। आखिरकार पैसे मिल चुके हैं गाइस, सर्विस हो जाएगी। डोमिनोज ये हमारा पटेल नगर का सिटी सेंटर का डोमिनोज, सिटी सेंटर में पटेल नगर का, हाँ मतलब वही है। और हमें सर्विस जहाँ करानी है वो पता नहीं कहाँ है।
भाई अभी आएंगे। मेरी तो यहीं पे हो जाती है। अच्छा हाँ तेरी यहीं हो जाती है। ओ कहाँ गया? अच्छा हो रहा है, मेरा रंग उड़ गया। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए। और क्या भाई, रास्ता हमेशा एम्बुलेंस को देना चाहिए। जरूरी है कोचिंग भी तो जा सकते हैं। यहाँ पे वैभव गुप्ता कहता है, गुप्ता मोटा का। अरे भाई हेड से। अरे भाई गाइस सर्विस सेंटर तो पहुँच गए, बट यहाँ पे है बहुत ज़्यादा भीड़। लगभग 2 से 3 घंटा लगने वाला है। सबसे ज़्यादा पूरा भरा पड़ा है भाई। सर्विस होने में आज बहुत टाइम लगेगा। 14 नंबर मिला है, ये देखो 14 नंबर मिला है भाई। तो भाई टाइम तो बहुत लगने वाला है, क्या कर सकते हैं, वेट तो करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति कह रहे थे कि यहाँ पास में सिर्फ पैदल पैदल भग भग के जाते हैं। तो गाइस अभी तो भाई टाइम बहुत लगने वाला है, तो उसका कुछ करते हैं भाई, कहीं घूमते हैं यहाँ पर। वैसे घूमने की जगह तो है नहीं आसपास कोई अच्छी, ये रोड है बस भाई घूमने की जगह। भाई रोड है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं मिलने वाला। विशाल किधर, वो रहा सामने। 5 मिनट तो पहुँचने में हम देख सोच रहे हैं कि विशाल बेगम आए थे यहाँ पे बना हुआ है, तो वहीं घूम के आते हैं। अभी तो भाई स्कूटी खड़ी करके आ गए हैं, वैसे टाइम लगेगा। अभी चाबी मेरे ही पास है, तो वैसे भी अंदर नहीं जा पाएगी। आया निकल गया, कट जाएगा बहुत बुरा वाला। इससे अच्छा मैं अपनी स्कूटी ले ही आता, इससे क्या होता, वहाँ पे जाने में तो कम टाइम लगता। अरे फिर दिक्कत होती, दो दो स्कूटी लेके फिरो, एक ही सर्विस हो यहाँ पहले ढंग से। तो ये है जीवन ज्योति नेत्रालय। यहाँ पे मेरी आँख दिखाई गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। इसकी मेरी नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरी आँखें बिल्कुल सही सलामत है। हाँ वैसे मैंने भी चेकअप कराया था यहाँ पे, क्योंकि स्कूल वालों ने मतलब एक इंस्पेक्शन किया था, तो मेरे को नंबर निकला था, बहुत कम सा था, माइन्यूट सा, हट गया चश्मा भाई। तो विशाल खुल चुका है, नहीं खुला, पर्दे लगे हैं। हाँ रहने दे, टाइम लगेगा। अभी तो उधर सर्विसिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। क्या से कैमरा DSLR खरीदू जाके? हाँ यहाँ पे 800 रुपये तो निकल नहीं रहे थे, क्या काम ही नहीं कर रहे। तो गाइस वो सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है चिकन चावला ग्वालियर में भाई, यहीं पे बेस्ट चिकन मिलता है। KFC हाँ KFC की तो बात ही अलग है, वो अलग चीज़ हो गई। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, कहीं से खरीदना हो तो यहाँ से खरीद सकते हो। ये दोस्तों सर्विसिंग कराने के बाद ये कर रहे हैं, यहाँ पे कपड़े खरीदे जा रहे हैं। हाँ पूरी दुकान खरीद ले। टी शर्ट देखी जा रही है ऑरेंज कलर की। भाई भैया की अपनी सारी शॉपिंग खत्म हो गई है, चलिए चलते हैं। ये देखो स्कूटी सर्विसिंग पे करने आए थे और शॉपिंग करके ले जा रहे हैं वापस। स्कूटी का कुछ ध्यान ही नहीं है कि वहाँ पे स्कूटी लग चुकी होगी या क्या होगा। लगभग हमको 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। सामने गाड़ी है, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक स्कूटी का पता नहीं है, जा रहे हैं और दूर चले जाना, आवाज़ नहीं आ रही। शॉपिंग करके हम लोग पहुँच चुके हैं भाई सर्विस स्टेशन, और यहाँ पे अभी सिर्फ स्कूटी धुली है, स्कूटी धुली है भाई। अभी बहुत टाइम लगने वाला है, अभी सर्विस होगी, दिमाग खराब होने वाला है। इसकी शक्ल देखो, हाँ। तो गाइस फाइनली मिल चुकी है अपनी स्कूटी भाई, लगभग 2 घंटे हो गए होंगे, 2 घंटे हो गए उसके बाद मिली है, लेकिन पूरी सही हो चुकी है, सर्विस वगैरह सब ठीक है। अभी दिखाता हूँ स्कूटी आपको, पूरी धो दी हमने और मैंने सारा इलेक्ट्रिकल सामान चेक कर दिया, और जो प्रॉब्लम है थी लगभग सारी सॉल्व हो गई हैं। ब्रेक भी सही लग रहे हैं, मस्त हो चुकी है भाई स्कूटी उसके। अब चलते हैं भाई जल्दी से घर, क्योंकि अभी थोड़ा सा चिप्स वगैरह खरीदे हैं, उसको खा लेते हैं हम लोग। एक ही चिप्स का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक पी गए हम लोग, जल्दी से खाते हैं उसके बाद घर चलते हैं। तो गाइस फाइनली अपनी स्कूटी सर्विस हो गई है, अब घर जा रहे हैं। तो भाई मैं घर पे मिलता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा
दिमाग खराब हो रहा है, पसीना ही पसीना हो गया है। तो आपसे मिलता हूँ मैं घर पे, तो बाय। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं भाई सर्विस होने के बाद। ये खड़ी है स्कूटी की व्हीकल में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सॉरी तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।